उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बदमाशों पर लगाम लगाने के लिए आए दिन नए नए कदम उठाती रहती है। बावजूद इसके यूपी में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो से लगाया जा सकता है। दरअसल महोबा में पुलिस की सुरक्षा में पेशी पर ले जा रहे एक कैदी ने उसी दौरान फेसबुक पर अपना एक वीडियो लाइव कर डाला और तो और कैदी ने लाइव के दौरान अपने विरोधियों को धमकी भी दी। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया है और मामले के वक्त ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक 21 अक्टूबर को पुलिस जेल में बंद लोकेंद्र उर्फ कारतूस यादव को कोर्ट में पेशी के लिए हमीरपुर ले जा रही थी। उसी दौरान कैदी के पास पहले से मोबाइल फ़ोन था और तभी कैदी कारतूस यादव ने फेसबुक पर एक वीडियो लाइव कर डाला। बता दें कि लोकेंद्र उर्फ कारतूस यादव हमीरपुर के थाना सुमेरपुर अंतर्गत ग्राम पंधारी का रहने वाला है और वो हत्या के प्रयास के मामले में महुआ जेल में बंद था, जिसको लेकर उसे पेशी के लिए कोर्ट ले जाया जा रहा था। तो कैदी ने पुलिस के ही सामने यह हरकत कर डाली। इसी दौरान उसने लाइव करते हुए अपने दुश्मनों को गालियां भी दी, साथ ही उसने पुलिस गाड़ी के अंदर का दृश्य भी दिखाया। वहीं इस मामले पर आला अधिकारियों ने उस दौरान ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। एक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक कैदी पुलिस अभिरक्षा में अपने विपक्षियों को गाली दे रहा है। इस संबंध में प्राथमिक जानकारी की गई तो लोकेंद्र यादव उर्फ कारतूस यादव, जो कि हमीरपुर का रहने वाला है एवं कारागार महोबा में जो है निरुद्ध है, उसको पेशी पर जो है हमीरपुर जनपद ले जाया जा रहा था। रास्ते में उसने पुलिस वाहन में अपने विपक्षी को मोबाइल से जो है फेसबुक लाइव करके कुछ गालियां दी है। इस संबंध में प्रथम दृष्टया पुलिस की लापरवाही मानते हुए सभी कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है एवं बंदी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि बाबा के राज में बेखौफ अपराधियों का जलवा देखिए, महोबा जेल में हत्या के आरोप में बंद हमीरपुर निवासी लोकेंद्र उर्फ कारतूस यादव पेशी पर जाने के दौरान फेसबुक चला रहा है। पुलिस कस्टडी में इतनी सुविधा केवल बाबा के राज में ही मिल सकती है। अपराधियों से जाने यूपी पुलिस की कौन सी रिश्तेदारी है जो इतनी छूट दिए रहते हैं। जानकारी के लिए बता दें, जिस समय आरोपी ने फेसबुक से लाइव वीडियो डाला था उसी दौरान गाड़ी के अंदर 3 कांस्टेबल मौजूद थे। वहीं जब कारतूस यादव लाइव हुआ तो उसके फेसबुक फ्रेंड्स चौंक गए और किसी ने उसकी फेसबुक लाइव की वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया, जो कि बाद में वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया और पेशी पर जा रहे बंदी की इस तरह से फेसबुक लाइव होने पर कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठने लगे हैं।